यदि हम सभी शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो शिक्षा के लिए भी युद्ध आवश्यक है। इसे चुनौती के रूप में लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से अगली पीढ़ी का भविष्य सुखद होगा। उक्त बातें प्रदेश सरकार के कुटीर ग्रामोद्योग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने स्थानीय नेहरू महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। शासकीय नेहरू महाविद्यालय के नवनियुक्त जन भागीदारी समिति अध्यक्ष आशीष बाबा राजूरिया के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के हालात देखकर भविष्य की चिंता होती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नौजवानों के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिसे कमलनाथ सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। प्रदेश की सरकार योग्य युवाओं को रोजगार से वंचित नहीं होने देगी। प्रदेश में सरकारी या निजी क्षेत्रों में अब जो भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, उनमें 70% प्रदेश के युवाओं की हिस्सेदारी होगी। वहीं मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि एक कमेटी बनाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त जन भागीदारी अध्यक्ष आशीष बाबा राजूरिया ने कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसका पालन मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। महाविद्यालय के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिए मैं बिना किसी राग द्वेष के निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। लंबी बात ना करते हुए एक पीड़ा जरूर व्यक्त करना चाहता हूं। सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, मर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है, स्पष्ट सोच है कि मध्यप्रदेश का यदि हमें आर्थिक ढांचा मजबूत करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो हमें युवाओं को उनके हाथों के लिए रोजगार के अवसर देने की आवश्यकता है। वो रोजगार चाहे स्वरोजगार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में देने की बात हो, चाहे सरकारी सेक्टर में देने की बात हो, हमें ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे डिग्री लेकर मजदूरी करने के लिए बाध्य ना हो। इस सोच के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके नेशनल डेवलपमेंट के बारे में स्पष्ट सोच है। लगातार 10 महीने से लगातार चर्चाएं हो रही हैं।